करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर जिला भर में अब सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर मुहिम शुरू की गई है, जिसके चलते अब जिला प्रशासन भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। बकायदा इसके लिए हमीरपुर जिला उपायुक्त ने SDM और VDO की कमेटी गठित करके सिंगल यूज प्लास्टिक पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। हमीरपुर जिला भर में अब सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर मुहिम शुरू की गई है, जिसके चलते अब जिला प्रशासन भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। बकायदा इसके लिए हमीरपुर जिला उपायुक्त ने SDM और BDO की कमेटी गठित करके सिंगल यूज प्लास्टिक पर नजर रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। हमीरपुर उपायुक्त हरकेश मीणा के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए मुहिम के तहत काम किया जाएगा और इसके लिए पूरे जिला भर में अभियान के तहत आगामी दिनों में नजर रखी जाएगी। उपायुक्त हमीरपुर हरकेश मीणा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी फैलाने वालों पर भी रोक लगाने के लिए कमेटियों का गठन किया गया है और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा लेने के लिए निर्देश किए गए हैं। साथ ही ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है जहाँ पर कूड़ा करकट फेंका जाता है। जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके या पंचायतों में सफाई को लेके हमने पिछले हफ्ते भी वीडियोस को काफी बोला था और PODRD इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 51 स्पॉट्स हमने पिछले एक हफ्ते में एज पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्लियर किया है। इसमें सबसे ज़्यादा बमसन ब्लॉक ने किया है और इसमें PODRD को भी निर्देश दिया गया है कि वो हर हफ्ते हर दिन 6 ब्लॉक जो ब्लॉक्स हैं हर एक एक दिन एक ब्लॉक में जाएँ और वहाँ चेक करें विद रिस्पेक्ट टू सफाई या दूसरे जो रूरल डेवलपमेंट के काम्स हैं, तो एक फीडबैक हमारे पास चैनल रहे। गौरतलब है कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है और इसी के चलते हमीरपुर जिला भर में एक मुहिम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए अब जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और उपायुक्त हरकेश मीणा ने सभी BDO और SDM को निर्देश जारी किए हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी नजर रखें।